लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं बल्कि उन्हें साथ में भी रखने का काम किया है। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे लेकिन एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है।